हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मीरा टिप चैनल। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको पता ही होगा कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और बरसात के मौसम में सबके किचन में रोज़ ना रोज़ चटपटा नाश्ता बनता ही रहता है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ जो कि बरसात के मौसम में झटपट इसको बना सकती हैं और नाश्ते के रूप में सबको खिला भी सकती हैं। चाय के साथ ये बैंगन का चटपटा नाश्ता आप अपने परिवार को खिलाइए। और चलिए देखते हैं कि बैंगन का चटपटा नाश्ता क्या है। बेसन के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, यहाँ तक कि लौकी का कतरा भी आप बनाई होंगी। क्या बैंगन का कतरा बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि बैंगन का कतरा कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं दो बैंगन ली हूँ प्लेट में और इसको अच्छे से धो दी हूँ। तो इसी का मुझे कतरा बनाना है, यानी चटपटा पकौड़ा बनाना है। ये तो हो गया बैंगन और साथ में बेसन। बिना बेसन का पकौड़ा तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे एक कटोरी में बेसन है, मैं इसको अच्छे से चाल के चलनी से कटोरी में ले ली हूँ। ये वज़न में 200 ग्राम होगा। पकौड़ा बनाने के लिए थोड़े से मसाले हैं। मसाले में क्या है, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है, नमक स्वाद के अनुसार एक चम्मच ली हूँ मैं नमक, यहाँ पे दो कटी हुई हरी मिर्च है, आधा छोटा चम्मच जीरा है और यहाँ पे चाट मसाला है आधा छोटा चम्मच। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके जगह आप थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकती हैं या फिर बिना मसाले के बना सकती हैं, तब भी टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर देखिए, एक कप पानी है, मुझे पानी का ज़रूरत पड़ेगा जब मैं बेसन का घोल बनाऊंगी तब। तो अब चलिए बनाने का तरीका जान लेते हैं कैसे बनाना है। ये सारे मसाले थाली में है तो इसी में मैं बेसन को डाल दूंगी, इसी थाली में मुझे घोल बनाना है। अब मैं सारे मसाले को बेसन में मिक्स कर लूंगी। बेसन जो है अच्छे से मसाले में मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करूँगी। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो बैंगन में अच्छे से चिपकेगा नहीं बेसन, तो हमारा कतरा जो है अच्छे से बनेगा नहीं। यहाँ पे देखिए, कतरा के लिए बेसन का घोल तैयार हो गया है। मुझे इतना ही गाढ़ा रखना है, अगर मैं ज़्यादा पतला करूँगी तो बैंगन में बेसन चिपकेगा नहीं। तो छानते समय बैंगन एक तरफ हो जाएगा और जो भी बेसन है एक तरफ हो जाएगा, इसलिए बेसन का घोल गाढ़ा रखना है। यहाँ पे देखिए, एक कढ़ाई में मैं रिफाइंड तेल डाल के गैस पे रख दी हूँ गर्म होने के लिए। अगर आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकती हैं। आपको इतना तेल डालना है जितने में कि अच्छे से बैंगन का कतरा हो या फिर लौकी का कतरा हो या पकौड़ा हो, कुछ भी अच्छे से फ्राई हो जाए। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं बैंगन को काट के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, बैंगन को गोल गोल काटना है। पहले मैं यहाँ से काट के इसको निकाल लूँगी। इस तरीके से गोल शेप में काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है ना तो पतला, मीडियम साइज में इसको गोल शेप में काट लेना है। इसी तरीके से मैं दोनों बैंगन को काट के प्लेट पर रख लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकती हैं, दोनों बैंगन को मैं काट के गोल शेप में प्लेट में रख ली हूँ। देखिए, इस तरीके से काटना है, इतना पतला, ज़्यादा इसको ना तो मोटा रखना है ना तो पतला। अगर आप ज़्यादा मोटा काट देंगी तो बैंगन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें बैंगन का पकौड़ा डाल के फ्राई करूँगी। देखिए, इस तरीके से बैंगन को बेसन में लपेटना है। जितना कढ़ाई में आए उतने ही डालें। फिर धीरे से इसको पलटना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं प्लेट में टिश्यू पेपर लगा दी हूँ। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप इसी तरीके से प्लेट में लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आप तेल वाला सामान फ्राई करके निकालते हैं उसमें एक्स्ट्रा तेल भी आ जाता है। अगर आप टिश्यू पेपर लगा देंगे तो इसमें एक्स्ट्रा तेल नहीं आएगा, आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अखबार या फिर कोई पेपर वगैरह लगा सकते हैं।
इसी प्रकार से मैं बाकी कतरे को तेल में फ्राई करके प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे बैंगन के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब ये बस खाली खाने के लिए लोग बाकी हैं। अब मैं सबको देने जा रही हूँ चाय के साथ नाश्ता। तो साथ में आप इस तरीके से रख दीजिए मिर्ची, गार्निश कर दीजिए। देखिए कितने अच्छे लगेंगे देखने में। जिसको तीखा कम लगेगा वो हरी मिर्च ले लेंगे, और आप चाहें तो टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं, या फिर धनिया टमाटर की चटनी के साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।